This conference will now be recorded. हमने जो चैप्टर नंबर 11 पढ़ा दैट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस. मतलब किसी भी कंपनी को या किसी भी बिजनेस को अगर पैसों की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, तो उसके पास दो मेन सोर्स थे. एक इक्विटी, मतलब कि वो शेयर इशू कर ले, या दूसरा डेट, या वो थर्ड पार्टी से पैसे अरेंज कर ले. आज हमने जो पढ़ना है, जो चैप्टर नंबर 12 है हमारा, चैप्टर नंबर 12 का ताल्लुक इनकी कॉस्ट के साथ है. मतलब जो हम लोन लेंगे उसके ऊपर लागत कितनी आएगी, मतलब हमें एक्सपेंस या उसके ऊपर जो आने वाले अखराजात है वो कितने होंगे. जाहिर सी बात है, जब बंदा फाइनेंसिंग करेगा तो ये लाजमी बात सोचेगा कि मुझे पे बैक कितना करना पड़ेगा ओवर द लोन अमाउंट. अब जो बेसिकली हमारे पास मेन सोर्स इक्विटी है, जब कोई कंपनी शेयर इशू करेगी, पैसा ले लेगी शेयर के बदले, तो उसके बदले उसको डिविडेंड पे करना पड़ेगा. तो डिविडेंड एक टाइप की कॉस्ट होगी. कंपनी के लिए ये कॉस्ट कहलाएगी, बट इन्वेस्टर के लिए यही चीज रिटर्न कहलाएगा. बात एक ही है. मेजर तो वैसे आपको पता है कॉस्ट ऑफ इश्यूएंस भी एक कॉस्ट साथ ऐड होती है, और अगर हम रिटर्न की बात करें तो इसका कैपिटल गेन भी एक रिटर्न में आ जाता है. लेकिन मेजर जो एक सीक्वेंस और सीरीज के साथ हमें पेमेंट करनी पड़ती है, दैट इज डिविडेंड मेजर. और अगर हम लोन की बात करें, लोन में जो कंपनी को कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, एक तो उसने लोन रिडीम करना है, मतलब वापस करना है, बट उसके साथ साथ जो उसको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी दैट इज इंटरेस्ट. ओके होगी बात. तो आज हमारा मेन टारगेट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी. के जो सोर्स ऑफ फाइनेंस इक्विटी कैपिटल है उसके ऊपर किसी भी कंपनी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने परसेंट बेयर करनी पड़ती है, या दूसरे लफ्जों में इन्वेस्टर उसके ऊपर रिटर्न कितना लेता है, रिटर्न ऑन इक्विटी. अब इसका ताल्लुक सीधा सीधा हमारे इनफ्लो के साथ और आउटफ्लो के साथ बनता है. जैसे आप लोगों ने क्वांटिटेटिव मेथड में पढ़ा कि जब हमें किसी चीज से पैसे आ रहे होते हैं तो हम उसे इनफ्लो कहते हैं, और अगर हमारे पैसे जा रहे हो तो हम आउटफ्लो कहते हैं. इसी कॉन्सेप्ट के तहत हमने कुछ इस तरह के फार्मूलाज लिखने हैं. पहले आपने ये थोड़ा सा पढ़ा भी हुआ है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं जो हमारी बुक में डिस्कस होंगे. एक मेथड है डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड, डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड. एक मेथड बनता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल. इसको गॉर्डन मॉडल भी कहते हैं. और एक है कैपिटल एसेट
प्राइसिंग मॉडल। इन तीन मेथड से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी या कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो आज जो बेसिक हमारा टारगेट है वो है डीवीएम, मतलब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के जरिए हम कैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब इसके अंदर होता क्या है, यानी डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड के अंदर सबसे पहले इसके अंदर एक अजम्पशन या अजम्पशन ली जाती है या गिवन होता है ये बात कि जनाब आपका जो डिविडेंड है ना वो कांस्टेंट है, मतलब डिविडेंड आपको फिक्स मिल रहा है, हर साल आपको डिविडेंड फिक्स मिलेगा। और आपको पता है नॉर्मली हम चल रहे होते हैं अपनी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं वो किस बेस के ऊपर बना रहे होते हैं, गोइंग कंसर्न के ऊपर, मतलब हमारा जो बिजनेस है वो अनफोर्सिएबल फ्यूचर टाइम तक कंटिन्यू रहेगा और हमें एक कांस्टेंट डिविडेंड मिलता रहेगा। एक कांस्टेंट डिविडेंड मिलता रहेगा कब तक मिलता रहेगा, फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, हमें पता नहीं है। तो अगर आपको याद होगा कि अगर आपको अ सीरीज ऑफ पेमेंट रिसीव्ड या पेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, हम उसको परपेचुटी बोलते हैं। ये आपने क्वांटिटेटिव मेथड में पढ़ा हुआ कि अगर एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम हमें रिसीव हो या हम पे करें, दैट इज अ परपेचुटी। और परपेचुटी का फार्मूला होता है जनाब P इज इक्वल टू R ओवर I। ये आप लोगों ने क्वांटिटेटिव मेथड में भी पढ़ा हुआ है और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 उसमें भी ये बहुत ज्यादा इसका रोल है। तो P इज इक्वल टू R ओवर I। अब P क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, किसकी प्रेजेंट वैल्यू, ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी जो इंस्टॉलमेंट आपको फ्यूचर में पे करनी है या रिसीव करनी है आज उनकी वैल्यू, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। और ये जो आई है दैट इज रेट। तो इसी मेथड के जरिए अगर हम डिविडेंड की बात करें, अगर आप एक कंपनी डिविडेंड पे कर रही है एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम और पे कर रही है और आपको पता है गोइंग कंसर्न के तहत लाइफ का कोई पता नहीं है, तो हम इसी मेथड को लेकर एक फार्मूला बनाएंगे कि करंट प्राइस, बल्कि पहले एक दफा बाद में बताता हूं कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू डी ओवर आर ई। इस डिविडेंड जो आपको मिलेगा उसकी आज वैल्यू क्या है, जो डिविडेंड मिलेगा या कोई कंपनी पे करेगी, जो इनफ्लो फॉर द फ्यूचर है आज उसकी क्या वैल्यू है, ये हमें शेयर की मार्केट प्राइस का पता चलेगा इससे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो एम वी स्टैंड फॉर करंट प्राइस ऑफ शेयर या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, डी स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट डिविडेंड,
और आर ई स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी या कॉस्ट ऑफ इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी या कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो अब इस फॉर्मूले से इसको रीअरेंज करके डायरेक्ट आर ई बी फाइंड कर सकते हैं. जैसे मार्केट वैल्यू इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी और हमारे पास फार्मूला बन जाएगा डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू. कॉन्स्टेंट डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू. तो अगर हम बिल्कुल बेसिक टाइप का देखें कि अगर डिविडेंड कॉन्स्टेंट है, हमें एक शेयर की मार्केट प्राइस चाहिए, तो हम मार्केट वैल्यू मतलब परपेचुटी का ही फार्मूला है ये, तो हम मार्केट वैल्यू का फार्मूला लगाएंगे डी ओवर आर ई. और अगर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, डी को मार्केट वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे. ये दो छोटे छोटे से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फिर नेक्स्ट मेथड्स पे चलेंगे. तो जनाब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखें, इफ अ कंपनी पेड अ डिविडेंड फॉर एवरी ईयर फॉर ईच ईयर इज रुपीज 5.8 पर शेयर एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 12%. फाइंड मार्केट प्राइस ऑफ ऑफ अ शेयर. हमने शेयर की मार्केट प्राइस फाइंड करी, हमने शेयर की मार्केट प्राइस फाइंड कर लिया. देखें जनाब, हमें हर साल जो डिविडेंड एक्सपेक्टेड है दैट इज 5.8 और रिटर्न ऑन इक्विटी है 12%. तो हमें करंट मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है शेयर की, जिसका फार्मूला होता है डी ओवर आर. तो डी हमारे पास है 5.8 डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी है 0.12. पे क्या आंसर आ रहा है, अगर कोई कैलकुलेटर साथ लेकर बैठा है तो आंसर बताए. अब हमारा न्यूमेरिकल काम स्टार्ट हो गया है तो इसलिए अपना कैलकुलेटर अपने पास रखा करें. ये चैप्टर पूरा न्यूमेरिकल है और पेपर में एक्सपेक्टेड है कि इसमें से लाजमी पेपर आया करेगा. जी 5.8 डिवाइड बाई 0.12 करें कितना आंसर आ रहा है, 48.3. ये हमारा आंसर आ गया. ओके होगी बात. अब एक और क्वेश्चन करते हैं. इफ अ कंपनी पेड रुपीज 12.5 एज अ डिविडेंड and its market price per share is rupees 120, find cost of equity या रिटर्न ऑन इक्विटी. करो जरा फाइंड कितना आंसर आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी का आंसर बताएं कितना आ रहा है. आर ई किसके बराबर आएगा, डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू 12.5 डिवाइड बाय 120 0.104
और आपको पता है कोई भी रेट होगा हम उसको परसेंटेज में लिखते होते हैं 10.4%, 10.4%, गॉट इट। तो मेरे भाई अगर आपका डिविडेंड कांस्टेंट है प्लस और अगर आपने रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड करना है या मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर फाइंड करना है तो आपके पास ये प्रोसीजर है। आपको लगेगा ये बहुत आसान है, नो डाउट बहुत आसान है, लेकिन पेपर में अकेला रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं आता या कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं आता, पेपर में मोस्टली एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है। तो जब एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करेंगे ना तो तब हमें ये वर्किंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि वहां पर दो चीजों की जरूरत होती है, मार्केट वैल्यू की भी चाहिए होती है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी चाहिए होता है। तो वहां पर एक चीज गिवन होगी तो दूसरी चीज हम फाइंड कर लिया करेंगे, ठीक है। तो ये शायद अगर सेपरेट क्वेश्चन आएगा तो ये एमसीक्यूज में कवर होगा, अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आ सकता ना, ये ना ये 4 मार्क्स का पेपर में आ सकता है, तो ये कंबाइन होकर पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा लेवल, नेक्स्ट स्टेप, कि अगर डिविडेंड ग्रो कर रहा हो फॉर ईच ईयर विद अ कांस्टेंट रेट, फिर वही आगे फर्दर दो बातें आ गई, ग्रो भी कर रहा है और कांस्टेंट के रेट्स के साथ करेगा तो क्या करेंगे, और अगर वेरिएट करेगा वेरिएशन के साथ जाएगा, रेट चेंज होगा, ग्रोथ रेट भी अगर चेंज होगा तो फिर क्या करेंगे। हमारी बुक के अंदर सिर्फ कांस्टेंट ग्रोथ रेट डिस्कस किया हुआ है, बट हमने सवालों के अंदर जो मल्टीपल ग्रोथ रेट होगा उससे भी हमने काम करना है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि इफ डिविडेंड ग्रोथ रेट इज गिवन और ब्रैकेट में लिखें ग्रोथ रेट इज कॉन्स्टेंट, कि अगर ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट हो तो क्या करेंगे और अगर मल्टीपल वेरिएशन के साथ होगा तो क्या करेंगे। तो जो वेरिएशन के साथ होगा वो हमने आज नहीं करना, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और कॉन्स्टेंट वो आज कवर कर लेते हैं। और अगर ग्रोथ रेट ना गिवन हो तो हाउ टू फाइंड, वो भी हमने आज करना है। और क्वेश्चन लिखें पहले के जनाब, इसका पहले फार्मूला लिख लें बाद में क्वेश्चन लिखते हैं, कि अगर हमने मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है तो फार्मूला हो जाएगा डी इंटू 1+G ओवर आर ई माइनस जी। मार्केट वैल्यू का क्या फार्मूला होगा, डी इंटू 1+G। आपको पता है कोई भी वैल्यू बढ़े ना परसेंटेज में तो उस वैल्यू को 1+% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आप सबको आइडिया है, ठीक है। तो डी इंटू 1+G ओवर आर ई माइनस जी। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये फाइनेंस में तो इस तरह का कभी कोई फार्मूला नहीं पड़ा था, ये फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, जहां से फाइनेंस के फार्मूलाज एक्सट्रैक्ट हुए हैं ना, ये फार्मूला वहां से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर आप फार्मूला सोचेंगे तो वो फार्मूला होता था ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन, तो ये वहां से जनरेट किया गया है। और अगर आपने रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला अलग से बनाना है, वैसे तो इसी फार्मूले में पोर्ट करके भी चीजें फाइंड की जा सकती, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें एक अलग से फार्मूला चाहिए तो इसको रीअरेंज किया जाए तो क्या आ जाएगा, डी इंटू 1+G ओवर मार्केट वैल्यू प्लस जी। ये इसी को ही रीअरेंज करके किया हुआ है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें और रिटर्न ऑन इक्विटी को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाए तो आपका ये फार्मूला बने, ओके होगी बात। तो दो छोटे छोटे से क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद हम चलते हैं कि अगर ग्रोथ रेट गिवन ना हो तो हम फाइंड कैसे करते हैं, अगर ग्रोथ रेट हमें गिवन ना हो तो फाइंड कैसे किया जाता है, ये भी अभी हमने डिस्कस करना। तो पहले आ जाएं, दो छोटे छोटे सवाल कर लें ताकि इसकी एप्लीकेशन हो जाए, और फिर मैं आपको कोई 5-6 सवाल दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो इंशाल्लाह ये चीज वैसे ही याद हो जाएगी आपको। अब सबने साथ साथ नोट भी चीजें करनी है,
चलें जी, तो क्वेश्चन भी याद है। अ कंपनी पेड अ डिविडेंड रुपीज 10.5 पर शेयर एंड डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फोर परसेंट ईच ईयर। फाइंड रिटर्न ऑन इक्विटी इफ करंट शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी इज रुपीज 105। हाँ जी जनाब, करने की कोशिश करोगे? करो जरा ट्राई और आंसर बताओ इसका। हाँ जी जनाब, इसका आंसर बताओ जरा। जी एक स्टूडेंट का मैसेज आ गया है 14.4%। देखें बाकी लोगों का भी यही आंसर आ रहा है। तो आप चाहे तो एक फार्मूले से भी काम कर सकते हैं और चाहे तो एक से ज्यादा फार्मूलाज भी लगा सकते हैं। तो जनाब हम फार्मूला लगा देते हैं, आर इज इक्वल टू डी इंटू 1+G ओवर मार्केट वैल्यू प्लस। तो हमारे पास ये डिविडेंड होता है ना, फर्स्ट ईयर का होता है, जिस साल पर आप खड़े होते हैं ना उस साल के एंड का डिविडेंड है। ठीक है, ये पहले साल का डिविडेंड है। डिविडेंड इनटू 1+G, 1+4% ओवर 105 प्लस 0.0। तो डी की जगह वैल्यू लिख दें 10.5 था शायद। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 14.4% आंसर। क्रॉस वेरीफाई कर लें सारे। तो एक छोटा सा और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इफ अ कंपनी पेड अ डिविडेंड रुपीज 8.4 एंड expected to grow at the rate of 5% every next year. Find current price per share of the company if return on equity is 12%। जी जनाब, शेयर की प्राइस बताएं जरा कितनी है। आज शेयर की प्राइस उस कंपनी की कितनी है? जी 126 पर शेयर एक आंसर आ गया जैद का। आपने न्यूमेरिकल करते करते कहीं थ्योरी को भूल नहीं जाना,
थ्योरी को भी आपने लाजमी कंसीडर करना है, ठीक है, क्योंकि पेपर समझने के लिए, सीखने के साथ साथ पेपर पास करने के लिए थ्योरी का भी साथ होना जरूरी है। और अंडरस्टैंडिंग ही तभी तो डेवलप होगी जब हम डेट पे जाएंगे, उसमें कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, अदर बॉन्ड्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, फिर जाकर हम उसकी मार्केट वैल्यू फाइंड कर पाते हैं कहीं, ठीक है। तो इसलिए किसी भी बॉन्ड की या किसी भी डेट की मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले उसकी डेफिनेशन का पता होना जरूरी है। तो जनाब करते हैं बिस्मिल्लाह। हाँ जी, मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है और मार्केट वैल्यू का फार्मूला हमारे पास है डी इन टू वन प्लस जी ओवर आर ई माइनस जी। तो डिविडेंड हमारे पास है 8.4, इंटू वन प्लस 5% ओवर 0.12 माइनस 0.05। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर 126 आ, तो मार्केट प्राइस होगी 126 पर शेयर। हाँ जी जनाब, क्लियर होगी बात। हाँ जी, अभी हमने फार्मूलास वैसे तो चार पढ़े हैं, बेसिकली हैं दो ही। उसके बाद नेक्स्ट, इफ डिविडेंड ग्रोथ ओवर द टाइम बट ग्रोथ रेट इज नॉट गिवन, डिविडेंड ग्रोथ ओवर द टाइम बट ग्रोथ रेट इज नॉट गिवन। हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन के अंदर या तो 5-6 सालों का डिविडेंड दे दिया जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो कांस्टेंट रेट के साथ मूव हो रहा है या डिफरेंट रेट के साथ मूव हो रहा है, या फिर वो कोई और हिंट बताएगा कि ग्रोथ रेट ग्रो कर रहा है तो हमें आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ के। तो अगर ग्रोथ रेट ना गिवन हो तो उसको फाइंड करने के दो मेथड है। एक, वैसे तो इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन का मेथड है, बट ये है एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं इसको, एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ हिस्टोरिक डिविडेंड या हिस्टोरिकल डाटा, और दूसरा है ग्रोडन मेथड ये जो मेथड है मैं पहले फार्मूला बाद में लिखवाता हूं, पहले ये बताता हूं कि ये फार्मूला जनरेट कहां से हुआ। आपको याद होगा आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है s इज इक्वल टू p इनटू 1 प्लस i की पावर n कंपाउंड इंटरेस्ट में, पढ़ा हुआ है ना, याद भी होगा। और ये जो रेट है ये किसी भी वैल्यू को बढ़ा रहा है, 1 प्लस परसेंटेज है ना, तो किसी भी वैल्यू को बढ़ा रहा है, ग्रो करवा रहा है, तो यही रेट हमने फाइंड करना है इसके अंदर। और अगर इस फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं, मतलब यहां से आई फाइंड करते हैं, तो आपको याद होगा एस ओवर पी इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर एन, और फिर इधर एन चला जाएगा तो nth रूट एस ओवर पी इज इक्वल टू 1 प्लस आई, और आई हमारे पास आ जाएगा nth रूट s over p minus 1, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं रेट फार्मूला। ये फार्मूला तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, यहां पर भी इसी से जनरेट किया हुआ है ग्रोथ रेट फाइंड करने का फार्मूला। कहते हैं कि लास्ट ईयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट ईयर का डिविडेंड, लास्ट ईयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट ईयर का डिविडेंड nth root minus 1, तो ग्रोथ रेट आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो
इसके अंदर आप चाहे 100 से मल्टीप्लाई करें या ना करें, एंड पे आपको पता जो पॉइंट में आंसर आएगा आप डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। इसको मजीद अगर कुछ आसान तरीके में लिखना है माइनस वन, यानी nth रूट एक्चुअल में उसकी रेसिप्रोकल पावर होती है। अहमद पूछ रहा है कि सर ये n क्या है, मैं बताने लगा हूं। d एंड स्टैंड फॉर जो डाटा गिवन है उसका लास्ट ईयर का डिविडेंड, डी एन स्टैंड फॉर जो लास्ट ईयर का डिविडेंड है वो, और डी वन स्टैंड फॉर फर्स्ट ईयर डिविडेंड। और यहां पर एन थोड़ा सा टेक्निकल है, एन है नंबर ऑफ ग्रोथ ईयर, मतलब कितने सालों में ग्रोथ गिवन है, कितने सालों का ग्रोथ गिवन है। ये भी सवाल करते हैं तो इसमें ज्यादा बेस्ट और अच्छी तरह समझ लगेगी आपको। और जो दूसरा फार्मूला है उसको फिर अभी नहीं छेड़ते, अभी हम सिर्फ इसको ही देखते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, अभी सिर्फ ग्रोथ मॉडल का एक सवाल करते हैं, फिर आपको एक सवाल देते हैं वो जो आपने करना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब, एक क्वेश्चन देखें जरा। कंपनी पेड फॉलोइंग डिविडेंड, यहां पर इयर्स लिख लेते हैं और यहां पर डिविडेंड लिख लेते हैं, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल। डिविडेंड पे रहे 10 रुपए है, फिर 12 रुपए है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 20, राइट। कहते फाइंड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, फाइंड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। एक बात याद रखें, जो हमने मार्केट वैल्यू में या रिटर्न ऑन इक्विटी में डिविडेंड इस्तेमाल करना होता है ना, वो पहले साल का डिविडेंड इस्तेमाल करना होता है, वो जो डी हम लिखते हैं ना वहां पर। अगर आप अपनी सहूलत के लिए डी वन भी लिखना चाहो तो कोई इशू नहीं, क्योंकि पिछले सवालों में तो हमें जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि एक ही डिविडेंड गिवन होता है। बट अगर एक से ज्यादा डिविडेंड गिवन हो तो पहले साल वाला डिविडेंड हम फार्मूले में इस्तेमाल करते हैं। तो आज है जनाब, ग्रोथ रेट का फार्मूला हमें पता है, डी एन ओवर डी वन होल पावर वन ओवर एन माइनस वन। तो 20/10 होल पावर, ये आपने बताना है। वन ओवर क्या लूंगा, एन की जगह कौन सी वैल्यू लूंगा, वन ओवर, ये आप सबने बताना है। जी मेरे भाई, वन ओवर क्या लू मैं, हाँ जी, कुछ लोग फाइव बता रहे हैं, जी बताएं, वन ओवर फोर लेंगे, वन ओवर फोर लेंगे। अब ये फोर क्यों लेंगे, आप खुद मुझे बताएं। हमने फार्मूला फाइंड करना है ग्रोथ रेट का, फार्मूला किस चीज का फाइंड कर रहे हैं हम, ग्रोथ रेट का। तो ग्रोथ रेट पहले साल के बाद ग्रोथ स्टार्ट हुई, पहले साल का तो हमारा डिविडेंड है ना, तो जितने सालों का ग्रोथ रेट फाइंड करना है वो 4 साल है। जितने सालों का ग्रोथ हमने फाइंड करना है वो 4 साल है, गॉट इट। तो ले जनाब, काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब मुझे बता दें, अब समझ लग गई ना, 1/4 क्यों लेते हैं, चलें जनाब। तो बताएं इसका आंसर क्या आ गया, 10/20 की पावर 1/4 माइनस 1 करेंगे जो आंसर आएगा, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास ग्रोथ रेट आ जाएगा 18.9%। क्रॉस चेक कीजिएगा 18.9% ग्रोथ रेट आ जाएगा। गॉट इट जी? तो एक सवाल मैं लिखता हूं, वो आपने करना है। तो आज फिर इस सवाल पर ही इख्तिताम कर देंगे, ठीक है? और तकरीबन कुछ स्टूडेंट्स आज क्लास में भी नहीं थे, मैं लेक्चर आपको सेंड कर दूंगा। तो लेकिन यह है कि कोशिश किया करें कि क्लास में ही अटेंड हुआ करें, क्लास अटेंड किया करें। अब्दुल रहमान भाई का एक बहुत प्यारा सवाल मिला है कि सर इतने ही सवाल आसान आते हैं। मेरे भाई कौन सा टॉपिक ये खत्म हो गया कि आपको आसान लगते हैं? हाँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के सवाल इतने ही आसान है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में अभी वैसे खत्म नहीं हुआ हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसमें एक एक्स डिविडेंड का छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है कि एक्स डिविडेंड और कॉमन डिविडेंड क्या होता है। बस इसके अलावा और कोई है ही नहीं कुछ, ठीक है? तो बिस्मिल्लाह करते हैं, पहले एक सवाल लिख लें, फिर बाकी आपके सवालात का जवाब मैं देता हूं। तो क्वेश्चन है जनाब, अ कंपनी पेड डिविडेंड ईयर और डिविडेंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डिविडेंड है 4, 4.8, 5.2, 5.6, 6, 6.5। फाइंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज 112। जी जनाब, करो जरा क्वेश्चन। ये हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज 112 और ये डाटा आपको गिवन है। जल्दी से आप मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड करके दें। जी जनाब, हो गया सॉल्व? एक स्टूडेंट का आंसर आ गया 10.2 आ रहा है, बट देखते हैं। जी 10.1% भी है, चले देख लेते हैं हम सवाल, ये देख लेते हैं, ठीक है? इसको 14.12% भी आ रहा है, चले देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि देखें डिविडेंड गिवन है और डिविडेंड चेंज हो रहा है, डिविडेंड गिवन भी है और डिविडेंड चेंज भी हो रहा है।
इसका मतलब है ग्रोथ रेट हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगर डिविडेंड चेंज ना हो रहा होता तो फिर हम कॉन्स्टेंट डिविडेंड वाला फार्मूला लगा दें। तो सबसे पहले हमारे पास जो बेस्ट फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है ग्रोथ रेट का, वो यही है कि डी एन ओवर डी वन पावर वन ओवर एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डी एन है हमारे पास 6.5 डिवाइड बाय 4 की पावर 1 ओवर 5 माइनस 1, 6 साल है ना टोटल। पहले साल तो एक्चुअल डिविडेंड हुआ, फिर ग्रोथ रेट नंबर ऑफ ग्रोथ इयर्स 5 है, राइट। तो आप करें जरा इसका, पहले मुझे ग्रोथ रेट बताएं, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं, सिर्फ पहले ग्रोथ रेट कितना आ रहा है। 6.5 ओवर ग्रोथ रेट 10.2% आ रहा है, बट हमें क्वेश्चन के अंदर ग्रोथ रेट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्वेश्चन के अंदर तो रिटर्न ऑन इक्विटी की रिक्वायरमेंट थी। दैट इज डी इनटू 1 प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू प्लस जी। तो मैंने आपको बताया कि जो डी है वो पहले साल का लेना है, जो डी यहां पर जितना भी होता है वो पहले साल का डी वन इंटू वन प्लस 0.102 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू 112 है प्लस 0.102। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी आएगा जी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ रहा है, 14.1%। चेक कर लीजिएगा सारे अपना, ठीक है जनाब, गुड हो गया। तो कल इंशाल्लाह हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, और आप लोगों ने करना क्या है कि मैं कुछ क्वेश्चन आपको सेंड करता हूं ग्रुप में, तो आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि इसी से रिलेटेड हैं, और इंशाल्लाह कल भी हमारी क्लास होगी, छोटी सी क्लास होगी हमने, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कल खत्म कर देंगे और फिर मंडे से इंशाल्लाह हम कॉस्ट ऑफ डेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।